नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन होम रेमेडी लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से ज़बरदस्त चीज़ लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को कई गुना तेज़ी से लंबा, मोटा, घना और मजबूत बना पाएंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हूँ दोस्तों, ये किशमिश की तरह लग रही है लेकिन ये किशमिश है नहीं। दोस्तों, इस चीज़ के अंदर बहुत ही सारे वाइटल मिनरल्स पाए जाते हैं जो हेयर फॉल्सिल पर काम करते हैं, मतलब बालों की जड़ों पर काम करती है, हेयर स्कैल्प को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, जिससे आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, और यह दोस्तों आपके हेयर को रिहाइड्रेट भी रखता है। तो सोचिए दोस्तों, कितना उपयोगी है। और जब फोकस करता है आपके हेयर फॉल्सिल पर, मतलब कि वो रोमचित्र जहाँ से बाल उगते हैं, और यह आपके हेयर स्ट्रैंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है, मतलब कि जो बालों की मोटाई है उसको भी ताकत देता है। दोस्तों, बालों के लिए ऐसा नुस्खा, ऐसी चीज़ या ऐसी रेमेडी आपने अब तक नहीं देखी होगी। और नेचर ने, प्रकृति ने हमें ऐसे अनगिनत चीज़ें दी हैं, लेकिन हमें आज भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में नहीं पता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके ऐसी चीज़ लाया हूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इसमें से एक फ़ायदा बालों का भी है जो आज मैं आपको बताऊँगा। और सचमुच अपने बालों को कोई अच्छी चीज़ देना चाहते हो, सचमुच अपने बालों के लिए कुछ करना चाहते हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करना। आप खुद कमेंट करोगे। यह बालों की लंबाई को ही नहीं बढ़ाता है दोस्तों, यह बालों की जड़ों को इतना मजबूत करता है कि आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और आगे चलकर आपको गंजेपन से भी यह बचाएगा। दोस्तों, यह चीज पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर एमिनो एसिड भी पाया जाता है, और वो भी पता है कितने प्रकार, कितने तरह के, 18 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसके अंदर। सोचिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा बालों के लिए, वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इसे आजमाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस तरह के चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, इस रेमेडी को मैं फटाक से आपको बना करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। सबसे जो पहली चीज़ आपको ऐसी चीज़ लेनी है जो आपको घर पर मिल जाएगी। आप इसमें बहुत सारे कोई भी अच्छे हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छा हो, लेकिन आप यहाँ पर आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आलमंड ऑयल, बादाम का जो तेल होता है दोस्तों, आप बादाम का तेल लीजिए, ठीक है। आलमंड ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है, आप आलमंड ऑयल लें, ठीक है। आलमंड ऑयल आपने ले लिया, बादाम का तेल, अच्छी कंपनी का बादाम का तेल आप लीजिएगा, ठीक है। बस एक आपको बादाम का तेल लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उस बादाम के तेल में बस दो ही चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों, बस दो चीज़। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, और बाल आपके इतने बेहतरीन तरीके से लंबे होंगे दोस्तों कि आप चकित रह जाइएगा। ये जो चीज़ है दोस्तों, आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है, आपको बस इसकी इतनी मात्रा लेनी है, बस एक चम्मच के आसपास, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो यह फूल जाएगा, तुरंत फूल जाता है, ठीक है। और दोस्तों, यह आपको कहाँ मिलेगा, इसे हम कहते हैं गोजी बेरी, गोजी बेरी, ठीक है, गोजी बेरी। और यह एक तरह का बेरीज है, और बेरीज के अंदर वाकई बहुत सारे वाइटल मिनरल्स और विटामिन होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों के लिए उपयोगी हैं, इसलिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। यह आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर कोई किराना स्टोर बड़ा है तो वहाँ आपको मिल सकता है, नहीं तो मुश्किल है चांस किराना स्टोर पर मिलने का। बड़ी दुकान है जनरल स्टोर की तो आपको मिल सकती है, सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा। आपको यह एक जगह आसानी से मिल जाएगा, जो काजू किशमिश बेचते हैं ड्राई फ्रूट्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इतनी गोजी बेरी लेनी, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, दोस्तों इस नुस्खे को ध्यान से देखिएगा अंतिम तक, आप देखिएगा इसको इस्तेमाल करने पर यह कैसा दिखता है। इसे पानी में डाल दीजिएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप इसे अपने हाथों से ही इस तरीके से, जब आप इसको कीजिएगा इस तरीके से, आप इसका हाथों से ही आप इसका जो रस है वो, इसका जूस है, आप निकाल लोगे। आप चाहोगे तो, आप चाहो तो इसको पीस करके आप पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हो,
लेकिन आप सिर्फ रस का भी इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका, मैंने इसका जूस निकाल लिया। ठीक है, अब इस जूस को दोस्तों आपको क्या करना है कि आलमंड, ये हमने बादाम का तेल लिया, आलमंड ऑयल, इस तरीके से दोस्तों यह इसमें घुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप में घुल गया। अब दोस्तों इसको लगाना कैसे है, दोस्तों इसे ले करके आप सबसे पहले अपने बालों पर लगाएं और सबसे पहले बालों के जड़ों पर आप इसको पहुंचाएं, पहले स्कैल्प पर पूरे अच्छे से चंपी करें, इस तरीके से उंगलियों से आप पूरे बालों के जड़ जड़ तक आप इसे पहुंचा दें, फिर आप इसे अपने पूरे बालों पर लगा लें। अच्छा रहेगा दोस्तों आप इसे रात में लगाएं, सुबह धो लें, आप इसका प्रयोग करें दोस्तों, आप पाएंगे यह आपके बालों को काफ़ी मजबूती देगा। बहुत छोटा सा, सिर्फ दो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ें हैं भी ज़बरदस्त। ठीक है दोस्तों, है भी ज़बरदस्त चीज़ बालों के लिए, बहुत ही उम्दा चीज़ है और बहुत ही अलग तरीन चीज़ है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो को इसको लगा लीजिएगा रात में, सुबह धो लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बहुत नहीं चाहते रात भर लगाना, तो कम से कम नहाने के पहले 1 घंटे बालों पर रखें, 1 घंटे के बाद धो लें। आप पाएंगे दोस्तों कि आपके बालों को काफ़ी लंबा करेगा, मजबूत करेगा। और एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि यह हेयर पर शाइन भी लाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ऐसे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, हेयर की बालों की चमक को भी बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चमक को भी बढ़ाता है, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ अपने आप आपकी होगी जब आपके हेयर जो स्ट्रैंड्स हैं, हेयर फॉल्सिल है, वो स्ट्रांग होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।